सब लोगों का फिर से मेरे इस ब्लॉग पर स्वागत है दोस्तों। आज प्रकाश डीजे का सेटअप जो कि श्याम डी रिवाज में पार्टी सेटअप आज लगने वाला है, तो चलिए पूरा फुल ब्लॉग आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या लगेगा, कौन कौन सा माल लगने वाला है। और इधर देख सकते हैं पूरा फुल रिवाज रिसोर्ट। तो चलिए अभी इधर देख सकते हो ट्रस्ट वगैरह लग ही रहा है। तो चलिए पूरा सेटअप का व्यू आप लोगों को ब्लॉग इसमें कैप्चर करके दिखाएंगे, तो ब्लॉग पे बने रहिए आप लोग। देख सकते हो सारा सेटअप यहाँ पे पहुँच चुका है और देख सकते हो स्क्वायर वाला ट्रस्ट अभी लगने वाला है। उधर देख सकते हो रिवाज में ही लगने वाला यह सेटअप। इनका भी न्यू वाला सेटअप ही यहाँ लगने वाला है। चार पीस 415 लग रहा है और चार पीस उधर देख सकते हो सिंगल बेस। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। इधर देख सकते हो दो पेटी सर्फी भी लगने वाला है इस सेटअप में। उधर प्रकाश डीजे का ऑनर देख सकते हैं। उधर तबाही हाई कर दो, हाई कर दो। चलिए इधर देख सकते हैं एम्पलीफायर वगैरह रखा हुआ है। बाकी अभी यहाँ पे मोहन झारखंडी ब्लॉग्स जो है वो भी आ रहे हैं यहाँ ब्लॉग शूट करने के लिए, उनको भी हमने बुला लिया है, तो अभी वो आ रहे हैं, फिर आप लोगों को उनसे भी मिलवाएंगे। और इधर थोड़ा रिवाज देख सकते हो आप लोग गाइस। चलिए यहीं पर अभी पूरा पार्टी का देख सकते हो डेकोरेशन वगैरह किया जा रहा है। और ये पूरा फुल रिवाज चलिए थोड़ा आप लोगों को बाहर से दिखा देते हैं किस टाइप का है रिवाज। और ये कतरास एरिए का सबसे महंगा मैरिज हॉल अभी तक का। चलिए आप लोगों को बाहर से दिखा देते एक बार, फिर आपको बाहर से फिर अंदर की ओर लेकर आते हैं। और देख सकते हैं महारू जी, देखिए कैसे श्याम डी है। और जस्ट उसी के बगल में आपको यहाँ पर रिवाज देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हैं रिवाज बैंक्यूट। और ये एंटर वाला गेट है। तो चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं। सीधे में आपको एक वो देख सकते हैं वरमाला का स्टेज वहाँ बना हुआ है। तो चलिए अंदर जाके भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। देख सकते हो गाइस इंटीरियर देखिए, पूरा फुल एसी है, देख सकते हो चारों साइड। यहीं पे जो वरमाला वगैरह होता है सब यहीं पे किया जाता है, देख सकते हो पूरा चेयर लगा हुआ है। और इसका इंटीरियर देखिए गाइस, और देखिए साइड साइड में आपको उधर पूरा एसी दिख रहा होगा, चारों साइड एसी लगा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए और दीवार में भी देख सकते हो चारों साइड आपको ग्लास देखने को मिल रहा होगा। वरमाला का स्टेज देख लीजिए। तो चलिए यही सब था, फिर अभी आप लोगों को ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आज के इस ब्लॉग में। तो चलिए अब हम बाहर की ओर चलते हैं। देख सकते हो इधर सेटअप को रेडी किया जा रहा है। चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं कि सेटअप रेडी कैसे होता है। तो देख सकते हो गाइस इनका भी सेटअप तगड़ा ही सेटअप है, और इनका भी ये न्यू वाला सेटअप है। तो चलिए लास्ट पीस ऊपर में 415 लगने वाला है। तीन पीस लग चुका है, अब लास्ट एक पीस लगेगा, उसके बाद यूटर लगेगा इस सेटअप में। बाकी फिर ट्रस्ट वगैरह सब सेट होगा, उसके बाद इसका कनेक्शन वगैरह किया जाएगा। इधर देख सकते हो फ्लोर भी लग चुका है। और आज मज़ा आएगा ब्लॉग में गाइस, आप लोग बस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। इधर देख सकते हो रिवाज, इधर कुछ देख सकते हो इधर लाइट वगैरह लगा हुआ है, यहाँ से झरना टाइप का फुहारा निकलता है, रात में इसका व्यू देखने में मज़ा आता है। तो चलिए बाकी देख सकते हो इधर
415 का सेटअप इनका काफ़ी भारी भी है और उठाने में बहुत मेहनत लग रहा है, देख सकते हो गाइस। तो गाइस बस लास्ट वाला था ये 415, ये भी चढ़ चुका है ऊपर और सेटअप का लुक अभी थोड़ा आप लोग देख लीजिए किस टाइप का है, बाकी पूरा कंप्लीट होगा फिर आप लोग। तो दोस्तों चलिए अब टेस्टिंग का टाइम आ चुका है और इधर देख सकते हो कौन है, मोहन भैया। चलिए इनके भी चैनल पे यहाँ का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो कल सुबेरे टाइम तो नहीं बता सकते हैं पर कल सुबह 11 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। कल सुबह मतलब कल सुबह वीडियो आ जाएगा इनके चैनल पे, तो आप लोग इनके चैनल पे भी जाके देखिएगा, मोहन झारखंडी ब्लॉग्स के नाम से इनका चैनल है। भैया बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं और इनका कंटेंट भी बहुत अच्छा अच्छा रहता है। तो चलिए अब फिलहाल टेस्टिंग सुनते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप सुन रहे हैं आकाश जी, सुनो।